हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे. मैं भी बहुत अच्छी हूँ. तो आज हमारा सेकेंड डे है वेल्स ट्रिप का. पहले मैंने और मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि हम लोग यहीं पर ही वेल्स में ही साइट सीइंग करेंगे बैंगलोर में. बट फाइनली वी डिसाइडेड कि हम लोग स्नोडन माउंटेन क्लाइंब करने जाएंगे ट्रैक करने के लिए. तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ वहीं जा रही हूँ. तो स्नोडन हाइकिंग जो है यूरोप में, यूके में स्पेशली, बहुत ज़्यादा फेमस है. लोग दूर दूर से ये हाइकिंग करने आते हैं. हमारा गर्मा गर्म ब्रेकफास्ट बताते भी रहिए क्या क्या है. दिस इज पनीनी एंड सैंडविच. सैंडविच एंड पनीनी अलोंग विद जूस. दिस इज माय फेवरेट ड्रिंक. गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं लैंगबेरिस लेक, जिसका बहुत टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे. एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स इट. एक छोटा सा टेक अवे टाइप का खुला हुआ है, आइसक्रीम पार्लर. गाइस, हम भी लैंगबेरिस से बस ले लिए और हम जा रहे हैं अभी टेने पास, और वहाँ से हम लोग अपने स्नोडन की हाइकिंग स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स गो. यहाँ पे गेट है एक सामने, यहाँ से आइडियली जो है स्नोडन माउंटेन जो है स्टार्ट होगा. कम से कम 2 घंटे हमें ऊपर जाने में लगेंगे और सिमिलरली 2 घंटे नीचे आने में लगेंगे. ये है रेंजेस. लेट्स गो. ओके, इट्स अबाउट 6 hours टू डू बैक एंड फोर्थ. बैक एंड फोर्थ 6 hours. या ओके. बोलो जय माता दी. वो स्टार्टिंग. यस, द स्टार्टिंग पॉइंट. जय माता दी. सो वी गॉट अ लेक इन बिटवीन व्हाइल वी आर हाइकिंग. बहुत ही प्यारी लेक है. गाइस, हमें प्यारी सी ब्यूटीफुल सी लेक मिल चुकी है अपने हाइकिंग के बीच में. एंड हम थोड़ा सा यहाँ पर 10 मिनट्स का विश्राम लेंगे, रेस्ट लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इतनी सुंदर व्यू को कौन मिस करना चाहता है. गाइस, स्नोडन के ऐसे माउंटेन्स हैं कि चारों तरफ लेक है. इस तरफ जो अभी हम लेक पे गए थे, एंड ये रास्ता है बीच में, एंड उस साइड फिर से लेक है. मतलब कुदरत के नज़ारे ऐसे हैं कि देखते ही बनते हैं. देखते रहो, यहाँ बैठे रहो पूरे दिन भर ऐसा लगता है. बट क्योंकि अभी हमें ऊपर भी जाना है तो अब हम कहीं रुकेंगे. लेट्स गो. तो गाइस, अब ये ट्रेल स्टार्ट हो रहा है रियल वाला. अब यहाँ पे हम धीरे धीरे आराम आराम से पैर टेक टेक के जाएंगे. कोई जल्दबाजी नहीं है, एकदम नज़ारों के मज़े लेते हुए. बगल में लेक है हमारे. सो गाइस, इंडिया में भी मैंने बहुत सारे ट्रैक्स करे हुए हैं. वैष्णो देवी का भी एक ट्रैक ही कह सकते हैं उसे, और खीर गंगा ट्रैक किए हैं मैंने हिमाचल में. त्रियुन ट्रैक जो कि हिमाचल में ही है. तो काफ़ी सारे छोटे मोटे ट्रैक्स जो है उत्तराखंड में भी करे हुए हैं, जहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ. तो इंग्लैंड में ये मेरा पहला ट्रैक है. एक्सपीरियंस में इन द एंड जो है वो आपके साथ शेयर करूँगी. अभी तक तो हमारी जर्नी काफ़ी अच्छी जा रही है. यहाँ पर अंकित जी थक चुके हैं, टेकिंग अ ब्रेक, एंजॉयिंग द व्यू. बहुत ही प्यारा व्यू है. और अभी हम वहाँ पर थे उस लेक पे, रेस्ट कर रहे थे. अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं. लगता है ऐसा कितना पास होगा, पर चढ़ाई एकदम से बढ़ गई थी ना, यहाँ पे एलिवेशन हो गया था, इसलिए सांस फूल गया. सो वी विल बी टेकिंग सम रेस्ट. थोड़ा सा
ब्रेक ले रहे हैं अभी हम लोग, यहाँ बैठेंगे और थोड़ा सा ड्रिंक्स वगैरह पियेंगे ताकि हमें ऊपर जाने के लिए एनर्जी मिल जाए, क्योंकि हमें बहुत स्टीप पे जाना है मुझे लग रहा है अभी। स्टीपेस्ट स्ट्रेच है ना वो अभी स्टार्ट होगा, उसमें भी उसमें हम आके एक ब्रेक लेंगे। मुझे ना मुंह धोने के लिए यहाँ पे आना चाहिए, ये यहाँ पे और ज़्यादा फ्रेश एकदम क्लियर ब्लू वाटर्स हैं। थोड़ा सा दे दो। फाइनल चेक पॉइंट पर पहुँच चुके हैं स्टूडेंट माउंटेन के, द फाइनल चेक पॉइंट। और यहाँ से व्यू अंकित कैसा लग रहा है आपको स्टूडेंट माउंटेन हाइक करके? It was a tough one but it's always rewarding to get up here. And in my view, it's just breathtaking. Definitely. तो गाइस मैं आपको व्यू दिखाती हूँ यहाँ का। Yeah. Yeah. और अभी हम लोग यहाँ नीचे से आए हैं, बिल्कुल लेक्स आप जो देख रहे हैं सामने, ये सारी लेक्स हमने क्रॉस करी है। एंड नाउ वी आर एट द टॉप। ओके लेट्स पुश स्पीड नाउ। हमारे यहाँ इंडिया में भी लोकल लोकेशंस पे पहाड़ी एरियाज में जहाँ पर बहुत दुर्गम इलाके हैं वहाँ भी इस तरह से रेल आ जाए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा। सो गाइस अभी हम ट्रेन लेने की सोच रहे हैं, वहाँ पर अगर आप देख सकते हैं ये जो है ट्रेन स्टेशन है, तो यहाँ से हम लोग होपफुली हमें ट्रेन मिल जाए और फिर हम नीचे जाएंगे। सो लेट्स गो, लेट मी शो यू अ रेलवे स्टेशन इन हिल्स। यहाँ से एक घंटा नीचे है फ्रॉम वाइट साइड एंड दैट टू यहाँ से नीचे की तरफ है, नॉट दिस साइड। ओके आई थिंक वी विल आस्क समबडी इन बिटवीन लाइक इफ दैट इज गोइंग टू हैपन। ओके गाइस तो हम लोग नीचे जा रहे हैं और ये हमारे एक जवान यहीं पर ही थक गए हैं, थोड़ा आराम कर रहे हैं हमारे जवान। चलो शहीद हो गए। चलो यार मिलिट्री फैमिली से हो, यू कांट गिव अप लाइक दिस। हाँ अच्छा ना कटा रहे हो, हिंदुस्तान की हैं, बच्चे जा रहे हैं नीचे। इतनी टाइम बाद पहला रेस्ट लिया है मैंने। अच्छा कितनी हालत खराब हो गई। नहीं सही है, कोई नहीं, ऐसे लग रहा कांटे चुभ गए हैं। कोई नहीं, और अब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कौसानी नहीं है। सो गाइस जिस ट्रेन का हम लोग वहाँ पर वेट कर रहे थे ऊपर, वो ट्रेन अब आ रही है नीचे और हम भी ऑलमोस्ट ट्रेन को कैचअप ही कर रहे हैं। फाइनली ट्रैक एंड हो चुकी है, यहाँ देखिए पार्ट टू स्नोडन समिट, और यहाँ पर हमने अपनी हाइकिंग जो है एंड कर ली है और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ सामने देखिए नज़ारा, इट्स हेवनली। ये हमारा जो टाउन है जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था वो है। गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और स्नोडन का जो सफ़र है वो बहुत ही अच्छा रहा, तो आई होप आपको ये व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। और मुझे
प्यारे प्यारे कमेंट्स करके बताते रहिए कि आपका एक्सपीरियंस मेरे साथ इस जर्नी में कैसा रहा. यू वांट टू से समथिंग? या इट वाज गुड. It's a big achievement. Yeah, and it's the perfect time because the weather's going bad. Mm-hmm. Weather is really going bad. Barish ho rahi hai. And itni zor se to rain drizzle kar rahi hai, but still weather aate samay bahut kharab ho gaya tha. So, but finally hum logon ne successfully kar liya ye trek. And I hope aapko ye vlog bahut pasand aaya hoga. Aur milti hu aapko next vlog mein. Tab tak aap apna bahut dhyan rakhiye. See you. Take care. Bye bye.